वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं गिविंग सजेशन। गिविंग सजेशन मींस कैसे कुछ भी हो, जैसे हमें किसी को सजेस्ट करनी होती है कोई चीज, किसी को कुछ चीज बोलनी होती है, तुम्हें कल चीज करनी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, में बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे बोलें। केवल दो एग्जांपल है, अगर आपको ये दो एग्जांपल समझ में आ गए मींस ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने देखा, यू शुड गो टू हर मैरिज फंक्शन, मींस तुम्हें उनकी मैरिज फंक्शन में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सजेशन हम कब दे रहे हैं? जब उनकी शादी का इन्विटेशन आया है। ओके, शादी हुई नहीं है अभी तक, शादी से पहले यानी मैरिज फंक्शन से पहले कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको मैरिज फंक्शन में जाना चाहिए, मींस कल शादी है तो आपको आज कोई बोल रहा है कि आपको मैरिज फंक्शन में जाना चाहिए। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल देखा, यू शुड हैव गॉन टू हर मैरिज फंक्शन। शुड यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, दोनों डिफरेंट सेंटेंस है। कैसे? इसमें क्या बोला, यू शुड हैव गॉन टू हर मैरिज फंक्शन, मीन उसने क्या बोला कि आपको उनके मैरिज फंक्शन में जाना चाहिए था। मींस फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये शादी मैरिज फंक्शन हो चुका है, मैरिज फंक्शन के बाद आपको ये बोल रहा है कि यार ये शादी तो बहुत अच्छी थी, आपको इसके फंक्शन में जाना चाहिए था। तो ये तो क्या है फ्रेंड्स, पास्ट की बात हो गई। ये क्या है? पास्ट की बात है। और ये हम क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। ओके, फ्यूचर भी, फ्यूचर क्यों आया? क्योंकि ये शादी मैरिज फंक्शन बाद में होने वाला है। तो ये दो एग्जांपल है, इससे हम समझते हैं कैसे। देखो, ये तो क्या है, हम कब बोलेंगे यू शुड गो टू हर मैरिज फंक्शन, मींस अभी ये काम होना बाकी है, आप इसके पास, आपके पास टाइम है कि आप इस काम को कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड गो टू हर मैरिज फंक्शन। और आप ये काम कर ही नहीं सकते तब हम ये वाली फ्रेमिंग यूज करते हैं। तो इसका मतलब फ्रेमिंग क्या है इसकी? तो फ्रेंड्स, इसकी फ्रेमिंग क्या है, क्या होगी? यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मीन्स अगर आप प्रेजेंट में किसी को एडवाइस दे रहे हो तो हम क्या यूज करेंगे, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो हम कैसे बोलते सेंटेंस, हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड गेट अप अर्ली, मीन्स आपको जल्दी उठना चाहिए, आपके पास टाइम है। मतलब ऐसे नहीं कह रहे कि आपको चाहिए था, हम कह रहे आपको जल्दी उठना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, यू शुड गेट अप अर्ली। ओके, और मैं ऐसे बोला कि यू शुड वर्कआउट डेली, आपको डेली वर्कआउट एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब मैंने ये कब यूज करते हैं, इसकी फ्रेमिंग क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी फ्रेमिंग होती है यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। इसकी फ्रेमिंग क्या है, यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मींस पास्ट में आपने ये बोला कि आपको मुझे फोन करना चाहिए था, तो यू शुड हैव कॉल्ड मी। कॉल्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मीन आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू हर मैरिज फंक्शन, आपको उनकी मैरिज फंक्शन में जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम टू हर बर्थडे पार्टी, आपको उनकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आज हमने यही देखा कि हम सजेशन देना है, अगर सजेशन दे रहे हैं, हम प्रेजेंट के लिए दे रहे हैं, आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और जब हमने बोला कि अब टाइम नहीं है, हो चुका, लेकिन आपको ये चीज करनी चाहिए थी, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ओके, तो आज फ्रेंड्स हमने गिविंग सजेशन के ऊपर देखा कि हमने सजेशन कैसे देने, तो हम प्रेजेंट में कैसे देंगे, पास्ट में कैसे देंगे, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू, बाय बाय।